हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सूर्य समाचार से एक्सक्लूसिव बात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की रेस में मुकेश अग्निहोत्री क्यों पिछड़े, क्या ब्राह्मण होना उन्हें बड़ी कुर्सी से दूर कर गया या फिर पंजाब से सटे बॉर्डर एरिया ऊना पर हाईकमान दाव नहीं लगाना चाहता था या असल वजह वीरभद्र विरासत में प्रतिभा सिंह की एन वक्त में एंट्री ने उनके उस दावे को कमजोर कर दिया, जहां साथ खड़े विधायकों के नंबर गेम में वो पिछड़ गए। मुख्यमंत्री न बन पाने की टीस तो मन में जरूर होगी, फिर भी मुख्यमंत्री बनने पर मुकेश अग्निहोत्री संतोष जताते नजर आए। शायद इसलिए मुकेश अग्निहोत्री ने शायराना अंदाज में कुछ इस तरह का जवाब दिया कि कुछ तो मेरी शख्सियत रही होगी जो हिमाचल में उप मुख्यमंत्री के पद सृजन करना पड़ा। इस बात में जिन इश्यूज पे आप कह रहे हैं कि आप पंजाब के बॉर्डर के हैं तब आपको जो है नज़रअंदाज किया गया, या आप पंजाबी बेल्ट के हैं तो हिमाचली हो, और फिर या आप कहते हैं ब्राह्मण की बात करते हैं आप, या आप जो है तीसरी ताकत की बात कर रहे हैं कि उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया या जो भी आपको लगता है, लेकिन मेरी कुछ तो हैसियत होगी जो हाईकमांड ने मेरे को जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। हम उनके कदरदान हैं, हम उनके अन्यायी हैं, और हम जल्दी मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि उनकी जो प्रतिमा है वो रिज मैदान पे स्थापित की जाए। हमारे बहुत बड़ा अच्छा चेहरा राजनीति का वो रहे हैं, तो इसलिए अब जो हो गया, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि किस वजह से हुआ। अब इस पोस्टमार्टम में जाने का तो कोई फायदा नहीं, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी ले, फैसला हो गया। कांग्रेस की इस नई नवेली सरकार में ये सवाल पैदा हो रहा है कि इस नई सरकार में ना क्षेत्रीय संतुलन है ना जातिगत संतुलन। अंदर खाते ना उप मुख्यमंत्री खुश हैं, ना मंत्री और ना ही चुनाव जीते विधायक। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सब यूनाइटेड हैं। सरकार में ना तो कोई नाराज है और ना ही कोई बिखराव है। इस दौरान जहां उन्होंने प्रदेश में सरकार का विजन साझा किया, तो वहीं उन्होंने जनता से किए गए कांग्रेस के हर वादों को पूरा करने की भी बात कही। उन्होंने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है, कांग्रेस हर गारंटियों को पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश में बदलाव हुआ और अब उस रथ को रोकने के लिए जो निर्णायक प्रयास किए जाने चाहिए थे वो हो चुके हैं। अब तो ये है कि प्रदेश की जनता से किए हुए वादों को कैसे पूरा करना है। डिप्टी सीएम ने सूर्य समाचार से बातचीत में हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में हुए चुनाव में मिली हार के सवाल पर कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में भले ही हारे हैं, लेकिन हिमाचल में बीजेपी का रथ रोका है। मोदी, अमित शाह, नड्डा की ताकत के बावजूद भी हिमाचल में बीजेपी रिवाज नहीं बदल पाई। वहीं जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपना राज्य तो बचा नहीं सके, दूसरों की खुशियां मना रहे हैं। नहीं देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना, आप अपना प्रदेश तो बचा नहीं सके, अब दूसरे प्रदेशों की जीत पे इतरा रहे हो, ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, खुशफहमी में रहे, खुश रहें। नहीं देखिए, देश में क्या हो रहा है, किस प्रदेश में क्या हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये तो आपके सामने हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश में हमने भाजपा का रथ रोक दिया। भाजपा ने पूरी ताकत लगाई, प्रधानमंत्री मोदी जी से लेके अमित शाह जी से लेके भाजपा के तमाम नेताओं ने जो है सर धड़ की बाजी लगा के पहाड़ी प्रदेश पे दोबारा कब्जा करने की कोशिश की और रिवाज बदलने की बात भी की और लगातार होती रही, लेकिन हमने कहा था रिवाज नहीं बदलते, राज ही बदला करते हैं, ताज ही बदला करते हैं, और आपके सामने हिमाचल प्रदेश में बदलाव हुआ। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए फूटी कोड़ी नहीं ला पाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही केंद्र के संयुक्त ताकत के बावजूद भी हिमाचल के किले को फतेह करने का सियासी वार भी किया। जमीन अधिग्रहण की भी शुरू नहीं हुई बात, जमीन अधिग्रहण का शुरू नहीं हुआ बात, हवाई अड्डा ठीक है, उन्होंने ख्वाब देखा जो हकीकत ना बन सका, और ऐसे ही जो है अनुराग ठाकुर जी ने ख्वाब देखा कि हमीरपुर से ऊना को रेल लाइन पहुँचानी है, वो हकीकत ना बन सका। जयराम जी ने अनुराग ठाकुर जी के ख्वाब को पलीता लगा दिया, अनुराग जी ने उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगा दिया, इसीलिए वो बाहर हो गए। उप मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि मंदिरों को सवारने के पीछे भाजपा का हिंदू एजेंडा हथियाना नहीं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मंदिर हमारी भी विरासत है। मंदिर जाता हूँ मैं, हवन करवाता हूँ,
मैं जो है वहाँ पूजा करता हूँ, मैं वहाँ पे नतमस्तक होता हूँ, मैं इस बात से छुप के नहीं रहता कि मैं कोई कहे ठीक है ब्राह्मण आदमी हो, लेकिन लोगों को तो लगेगा, लोगों को तो लगेगा कि आप भाजपा का एजेंडा छीन नहीं रहे वो हैं। ठीक है मंदिर मंदिर, लेकिन ठीक है उन्होंने नहीं किया हम कर देंगे, वो जो है राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, हम सच्चाई में चाहते हैं कि इन मंदिरों का जो है बदलाव किया जाए, कायाकल्प कर लिया। वैसे भी मैंने आपको कहा ना ब्राह्मण आदमी हूँ तो अपने वादों को निभाने में सरकार लगातार जुटी है। प्रदेश सरकार की ओर से लगातार कैबिनेट मीटिंग की जा रही है। बजट सत्र से पहले सरकार मंथन करने में जुटी है। इस बार के बजट से जनता को भी खासी उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार जनता के वादों पर कितना खरा उतर पाती है। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।